नमस्कार, मैं जितेंद्र यादव और आपका एक बार फिर से स्वागत है कृष्णा इंटरप्राइजेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कृष्णा मैन्युफैक्चरिंग ऑफिशियल में। बहुत सारे लोग मुझे कॉल और कमेंट करके बोल रहे थे कि भाई तुम कृष्णा इंटरप्राइजेज के लेमिनेशन मशीन के बारे में बताते हो, बट इस चैनल पे उनको जो है कितना रोल में जो है कितना फिल्म लगता है, कितना गम लगता है और क्या तरीका है रॉ मटेरियल बनाने का और बना के कितना में रेडी होता है और उसे सेल करने का क्या तरीका है, इन सारी चीज़ों का जो है इन्फॉर्मेशन उनके पास नहीं होता है। तो आज मैं कंप्लीट वीडियो लेकर के आ चुका हूँ। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, साथ ही दोस्तों में शेयर कीजिएगा जिन लोगों को इस तरीके का जो है बिजनेस स्टार्टअप करना है, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरीके का इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजबल वीडियो को। तो बहुत सारे लोग पेपर प्लेट का रॉ मटेरियल तैयार करने वाला बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं होता है कि पेपर प्लेट बिजनेस को, पेपर प्लेट रॉ मटेरियल के बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, कौन कौन सा उसमें रॉ मटेरियल लगता है, कौन कौन सा मशीन लगता है और उसे 1 किलो रॉ मटेरियल बनाने में कितना खर्च लग जाता है, कितना रुपए में हम 1 किलो रॉ मटेरियल बनाएंगे और कितना रुपए में हम उसको बेच लेंगे, 1 घंटा में कितना रॉ मटेरियल हमारा तैयार हो जाएगा, मशीन और मटेरियल वो कहाँ से खरीदेंगे, सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। सो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजबल। अगर आपको पेपर प्लेट रॉ मटेरियल का जो है बिजनेस को स्टार्टअप करना है तो इन 5 चीज़ों की जो है ज़रूरत पड़ेगी आपको स्टार्टअप करने में। सबसे फर्स्ट में एक अच्छी क्वालिटी की पेपर लेमिनेशन मशीन विथ कटर, जिससे आप हर एक साइज़ का, जैसे जूना थाली नाश्ता प्लेट के लिए जो 4 इंच से लेकर के 16 इंच तक आता है, 75 GSM से लेकर के 140 GSM तक आता है, उससे हर साइज का आप रॉ मटेरियल तैयार कर सके। तो ये 32 इंच पेपर लेमिनेशन मशीन, ऐसे तो पेपर लेमिनेशन मशीन बहुत ही प्रकार की आती है, 1 लाख रुपए से लेकर के 5 लाख रुपए तक की मशीन आती है, लेकिन जो है एक अच्छी मशीन, अगर अच्छी क्वालिटी की 32 इंच मशीन जो प्रॉपर तरीके से जो 50 आदमी 100 आदमी खरीद के ले गए हैं जिस कंपनी से और चला रहे हैं और जो जिनका अच्छा वर्क कर रहा है, वह है 32 इंची का डबल पिनियन पेपर लेमिनेशन मशीन, जिसकी प्राइस लमसम सिंगल पिनियन की 1,25,000 और डबल पिनियन की 1,40,000 से लेकर के 1,55,000 रुपये तक की आती है, जो कि आपको 32 इंच पेपर लेमिनेशन मशीन है जिसपे आप जो है 18 मिनट में 100 केजी का प्रोडक्शन आप कर सकते हैं रॉ मटेरियल का। तो ये हुआ पेपर लेमिनेशन मशीन। दूसरा जो आपको लेना होगा वो लेना होगा क्राफ्ट पेपर। क्राफ्ट पेपर क्या होता है कि पेपर प्लेट के रॉ मटेरियल का जो निचली भाग वाला जो पेपर होता है उसे हम क्राफ्ट पेपर बोलते हैं। क्राफ्ट पेपर जो मोटा पतला आता है उसे हम GSM बोलते हैं। तो GSM अनेकों प्रकार का जो है वो क्राफ्ट पेपर में ही आता है, फिल्म में GSM नहीं आता है, क्राफ्ट पेपर के GSM के अनुसार से ही हम लोग जो है चलते हैं। क्राफ्ट पेपर जो आता है वो है 75 GSM, 80 GSM, 100 GSM, 120 GSM और 140 GSM। पेपर इससे भी मोटा आता है, GSM इससे कम भी आता है, इससे ज़्यादा भी आता है, लेकिन हमारे पेपर प्लेट मेकिंग बिजनेस के सिलसिले में यही सभी पेपर का जो है उपयोग होता है। तीसरा जो इसमें उपयोग होने वाला चीज़ है वो है फिल्म। फिल्म मतलब ऊपर के जो ये पन्नी रहता है, जो केला पत्ता के कलर में, साल पत्ता के कलर में, अनेकों कलर में, सिल्वर कलर में रहती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इस पन्नी को हम फिल्म बोलते हैं। फिल्म 2 प्रकार का होता है, एक होता है BOPP और एक होता है पॉलिस्टर। पेपर प्लेट में जो यूज होता है वो BOPP यूज होता है। अगर BOPP और पॉलिस्टर के बारे में आप नहीं जानते हैं तो इसके ऊपर जो है मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, आप उस वीडियो को देख सकते हैं और इसके बारे में समझ सकते हैं। वीडियो का जो है लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाके इस वीडियो को देखिए और इस चीज़ के बारे में समझ लीजिए। चौथा जो हमारा जो चीज़ है इस बिजनेस को करने के लिए वो है गम। गम का क्या काम है कि गम बहुत प्रकार का होता है, लिक्विड वाला गम, पाउडर वाला गम, अनेकों प्रकार का गम, लेकिन सामान्यतः जो है हम लोग यूज करते हैं वो लिक्विड यूज करते हैं।
तो ये गम जो है, ये गम क्या करता है कि फिल्म और पेपर को एक दूसरे से क्या करता है कि चिपकाता है, और चिपका के वो आगे जाके कटर के माध्यम से साइज बाय साइज कटिंग होके और रोल का रूप ले लेता है, तो गम का काम है। पांचवा जो है वो कॉर्न आता है। कॉर्न क्या है, तो देखिए कॉर्न जो आता है वो पेपर प्लेट को जब हम आगे नट जो गुना कटा हुआ नट है उसमें लगाते हैं तो पेपर को डायरेक्ट नहीं लपेटते हैं, उसको हम कॉर्न के ऊपर लपेटते हैं। अगर आप सिंगल डाई और डबल डाई चला रहे हैं तो जो लास्ट में बच जाता है उसी को कॉर्न बोला जाता है, तो उसी में पेपर को लपेटा जाता है। तो आपको पांचवा में क्या है कि कॉर्न लेना पड़ेगा। तो आप समझिए कि आपको किन किन चीज़ों को जो है लेना पड़ेगा। अब मैं आपको पूरा कैलकुलेशन बताऊँगा कि जो है पेपर प्लेट लेमिनेशन मशीन कितना किलो, कौन सा रॉ मटेरियल, कैसे केजी आता है, कितना फिल्म लगता है एक किलो में, एक किलो में कितना गम लगता है, एक किलो तैयार होकर के कितना पड़ता है और एक किलो तैयार करने में कितना खर्चा लग जाता है, ये जानकारी मैं दूंगा। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए एक केजी जो है रॉ मटेरियल बना करके कितना रुपये पड़ेगा, क्या खर्च पड़ेगा, इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि कितना पेपर में कितना पन्नी लगेगा और कितना गम लगेगा। तो हम 100 किलो पेपर लेके चलते हैं। तो देखिए 100 किलो पेपर में जो है वो फिल्म लगेगा कितना, 7.5 किलो। अब देखिए 100 GSM या 80 GSM के अप्रोक्स में हम 7.5 किलो से लेके 7.5 किलो तक बता रहे हैं। अब देखिए 140 GSM या 160 GSM अगर पेपर यूज कीजिएगा तो वहाँ और कम फिल्म लगेगा, 6 किलो के आसपास में ही फिल्म लगेगा। क्योंकि क्या होगा कि जब पेपर जो है आप ज़्यादा मोटा यूज कीजिएगा तो उसमें फिल्म कम लगेगा। तो जाहिर सी बात है अभी हम 100 GSM का बता रहे हैं या 80 GSM लेकर के चलिए, तो इसमें हमारा 100 KG पेपर में 7.5 KG जो है वो फिल्म लगेगा। उसके बाद गम इसमें कितना लगेगा, तो 2 लीटर गम, 1.5 लीटर गम में 1.5 लीटर पानी यानी 3 लीटर, 2 लीटर गम का हम दाम जोड़ के चलते हैं। 0.5 लीटर नया आदमी मान लीजिए इधर उधर करेंगे तो गिर सकता है। तो और उसके बाद 20 रुपया का कॉर्न यानी 1 किलो जो उसको लपेटेंगे जिसमें हम पेपर 1 से 1.5 किलो उसको मान लेते हैं, तो इसका हम प्राइस जोड़ते हैं। तो देखिए पेपर प्लेट क्राफ्ट पेपर का प्राइस दिन प्रतिदिन घटते बढ़ते रहता है। मैं अभी के हिसाब से एक फॉर्मूला के तौर पे मैं जोड़ के बता देता हूँ। इसी तरीके से जो प्राइस आपका जिस सीजन में रहेगा उसको डाल करके आपको निकाल लेना है। तो अभी के हिसाब से 32 से 33 रुपया जो है अभी क्राफ्ट पेपर का पड़ता है, तो 100 केजी का 3200 जो है क्राफ्ट पेपर का हो जाएगा। 7.5 किलो फिल्म का जो है वो 255 रुपये के हिसाब से 1912 रुपया होगा। 65 रुपये के हिसाब से 2 लीटर गम का 130 रुपया होगा, और जो कॉर्न आता है वो 20 रुपया का होगा। तो टोटल अगर हम जोड़ रहे हैं इसको तो हमारा आ रहा है 5262 रुपया। तो देखिए 5262 रुपया में हमारा रॉ मटेरियल कितना तैयार हुआ, 100 किलो हम क्राफ्ट पेपर लगाए हैं, 7.5 किलो पन्नी उसमें जो फिल्म आता है फिल्म दिए हैं, 3 लीटर गम दिए हैं, और उसके बाद कॉर्न जो दिए हैं 2 या 1 KG कॉर्न मान के चलिए। अगर टोटली अगर जोड़ा जाए तो हमारा आता है 111.5 यानी 1 कुंटल 11 किलो 500 ग्राम रॉ मटेरियल तैयार हो रहा है। अब देखिए 1 कुंटल 11 किलो 500 ग्राम रॉ मटेरियल कितना पैसा में तैयार हो रहा है, तो हमारा 5262 रुपये में तैयार हो रहा है। तो अब केजी पे इसको कैसे निकाले, तो 5262 में हम 111.55 से डिवाइड करेंगे तब हमारा जो है आ रहा है कितना, 47 यानी 47 रुपये पर किलो हमारा रॉ मटेरियल पड़ा। अब इतना आप समझ गए। अब इसमें देखिए आप अपना खर्च जो है इंक्लूड कर दीजिए, जैसा कि आप अगर इस चीज़ को बनाइएगा तो लेबर तो लगेगा ही, तो मान लीजिए कि 1 कुंटल पे अगर कोई लेबर आजकल रह रहा है तो 1 किलो पे वो 1 रुपया लेगा ही। अगर मान लीजिए दिन भर में जो है 500 KG काटता है तो 500 रुपया वो लेगा ही। ऐसे मैं 1 रुपया रख के बता रहा हूँ, लेकिन एक लेबर को रखिएगा तो 1 रुपया नहीं लगेगा, क्योंकि एक दिन में तो 1 टन तक पेपर काटा जा सकता है। तो 1 रुपया मान के चलिए ये हुआ। बिजली कॉस्ट आप जोड़ लीजिए 1 या 2 रुपये,
और भी खर्च इस 47 रुपये पर रख के और निकाल के आप इस प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दिया हूँ कि किस प्रकार से जो है रॉ मटेरियल को कितने रुपए में आप तैयार कीजिएगा, कौन कौन सा रॉ मटेरियल इसमें लगता है, और आप बेस्ट मशीन और मटेरियल अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं या लेना चाहते हैं मशीन, बेस्ट मशीन और रॉ मटेरियल, तो आप जो है कृष्णा इंटरप्राइजेज में विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे जो है मशीनों को रेडी किया जाता है, साथ ही साथ आपको अगर मिल से पेपर लेना है तो वहाँ जाने के बाद आपको कंसल्ट करा दिया जाएगा, जिससे आप जो है पेपर को मिल से भी ख़रीदारी कर सकते हैं, अथवा आपको छोटे पैमाने पर चाहिए तो आप डायरेक्ट कृष्णा इंटरप्राइजेज से भी परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अब अगले वीडियो में एक नए आइडिया के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।